When I consider how my light is spent, a year half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless though my soul more bent. When means जब ये poem जो है आपकी तीसरी poem है intermediate की on his blindness, उसमें से लिया गया है जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने, बहुत ही बड़े poet हैं. ये इनके जीवन से संबंधित है, अपने ही बारे में बता रहे हैं कि when जब आई मतलब मैं कंसिडर सोचता हूँ इस बारे में कि हाउ कैसे माई लाइफ मतलब कि लाइट सॉरी लाइट मतलब रोशनी यानी कि यहाँ सब वो बता रहे हैं कि आँखों की रोशनी कैसे मेरी आँखों की रोशनी इज मीन्स है स्पेंड मतलब खर्च हो गई है ख़त्म हो गई समाप्त हो गई जब वो अंधे हो जाते हैं तब की बात बता रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई यार हाफ माई डेज मतलब कि इरा मतलब होता है समय तो मेरे जीवन के आधे ही समय वो अंधे हो गए थे तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जीवन के आधे ही समय में मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इन मीन्स में दिस डार्क इस अंधेरे भरे हुए वर्ल्ड संसार में एंड वाइड और इतने विस्तृत संसार में लंबे चौड़े संसार में मेरे जब मैं ये सोचता हूँ कि इस बड़े से लंबे चौड़े और अंधेरे से अंधकारमय संसार में मेरे जीवन के आधे ही समय में मेरी रोशनी कैसे चली गई एंड और दैट वन टैलेंट वह जो एक टैलेंट यानी कि क्वालिटी है गुण है which is death to hide, which means जो death to hide, death मतलब मृत्यु तक hide means छिपा रहेगा जो मृत्यु तक छिपा रहेगा वो poetic talent की बात कर रहे हैं कि कवि होने का जो गुण है लिखने का जो गुण है वो मेरे अंदर मृत्यु तक छिपा रहेगा lost with me useless, lost मतलब ठहरना होता है तो ठहरा रहेगा पड़ा रहेगा with me के साथ me means मेरे साथ useless बेकार मेरे साथ बेकार ही पड़ा रहेगा वो talent मैं लिख नहीं सकता उसको यूज नहीं कर सकता दो माई सोल मोर बेंट दो मतलब जबकि माई सोल मेरी आत्मा जो है मोर मतलब ज़्यादा बेंट मतलब दृढ़ है लिखने के लिए कविता लिखने के लिए दृढ़ है जब मैं ये सब सोचता हूँ तो वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि जब मैं ये सब सोचता हूँ कि कैसे इस बड़े संसार में इस अंधकारमय संसार में मुझे छोड़ करके मेरी आँखों की रोशनी चली गई वो भी मेरे जीवन के आधे ही समय अभी तो एक लंबा अरसा पड़ा हुआ है जीवन का और मेरे साथ एक ऐसा टैलेंट भी है बहुत अच्छा है और जो अब आंखों की रोशनी ना होने के नाते मेरे साथ ही मृत्यु तक पड़ा रहेगा बेकार पड़ा रहेगा जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूज करूँ और मैं इसके लिए दृढ़ भी हूँ मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है जिसकी वजह से मैं अपने इस टैलेंट को इस ग्रेट टैलेंट को बड़े महान टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाऊंगा जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूं तो वो काफ़ी निराश हैं यानी कि इस पहले स्टैंड में ऐसा पता चल रहा है कि वो काफ़ी सैड हैं उनको इस बात से बहुत ज़्यादा दुख है कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई है और वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चला गया अब मैं क्या करूँगा मेरे अंदर जो टैलेंट है पड़ा हुआ है मैं कैसे यूज़ करूँगा क्या होगा बेकार हो जाएगा मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता ये सब बातें उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है नेक्स्ट स्टांजा टू सर्व देयर विथ माई मेकर वो जो बता रहे थे कि मैं दृढ़ हूँ तो माई सोल मोर बेंट मेरे जो आत्मा है वो दृढ़ है क्या करने के लिए टू सर्व देयर विथ वो लिंक है इंटरकनेक्टेड है लाइन टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही इज टर्निंग चाइल्ड डट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट तो टू सर्व यानी कि किस लिए दृढ़ है सर्व करने के लिए शेयर सेवा करने के लिए देयर विथ उससे माई मेकर मेरे बनाने वाले मेकर मतलब बनाना यानी कि भगवान के बारे में बात करना कि वो दृढ़ है भगवान की सेवा करने के लिए अपने क्वालिटी से गुड़ से एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करने के लिए ट्रू अकाउंट माइनस मेरा यानी कि अपना वो बता रहे हैं कि अपना ट्रू अकाउंट मतलब कि अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मेरी पूरी क्वालिटी जो है वो उसको प्रस्तुत
करने के लिए मैं दृढ़ हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा करूँ। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब होता कहीं ऐसा ना हो कि ही यानी कि भगवान जो है रिटर्निंग चाइल्ड, वापस रिटर्न मतलब वापस जब मैं उनके पास जाऊँ मरने के बाद, तो चाइल्ड मुझे फटकारने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फटकारने लगे कि मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था, मैंने तुम्हें क्वालिटी दी थी जिसको तुमने यूज नहीं किया, इसलिए मैं उस टैलेंट को यूज करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। डस गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, डस क्या गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, या वो पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट डिलीवर, क्या भगवान एग्जैक्ट डिलीवर मतलब कि निश्चित रूप से मुझसे परिश्रम करवाना चाहता है, मेहनत चाहता है मेरी, क्या भगवान मुझसे कठिन परिश्रम चाहता है। लाइट डिनाइड मतलब कि रोशनी ना होने के बाद, डिनाइड छीन लेने के बाद, अंधा करने के बाद, क्या उन्होंने मुझे अंधा करने के बाद भी वो मुझसे परिश्रम चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ भगवान से कि क्या भगवान आप अंधा करने के बाद भी मुझसे चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, मैं परिश्रम करूँ, कठिन मेहनत करूँ, आपकी सेवा करूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस यानी कि जो धैर्य है, लेकिन धैर्य जो होता है वो प्रिवेंट मुझे रोकता है, मेरा जो धैर्य है वो मुझे रोकता है कि ऐसा मत पूछो, सब्र करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, जो कि हमेशा होता है। अगर हम अपने जीवन में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे परेशान होकर के ये सोच लें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें सब्र रखने की और धैर्य से सोचने की ज़रूरत होती है कि आखिर वो रास्ता क्या है और कहाँ है, कैसे उस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है, उससे उबरा जा सकता है। लेकिन ये सबके साथ होता है, इंसान का ह्यूमन नेचर है कि जब प्रॉब्लम आती है तो वो परेशान हो जाता है, तो इस तरह से ये भी परेशान है कि इनके अंदर एक क्वालिटी है जिसको वो देना चाहते हैं, अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपने बनाने वाले की मेकर की सेवा करना चाहते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी जितना भी उनके अंदर क्वालिटी है उसको देना चाहते हैं, ताकि वो उनको फटकारे ना, उनको डांटे ना, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं, इसलिए वो परेशान है कि क्या भगवान पूछ भी रहे हैं, मूर्खतापूर्वक पूछते हैं, सवाल उनके मन में आ जाता है भ्रम से कि क्या भगवान मुझसे ऐसा चाहते हैं और फिर भी उन्होंने अंधा कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नहीं चाहते हैं, मतलब उनके अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि अगर उन्होंने अंधा कर दिया तो हो सकता है वो मुझसे ऐसा नहीं चाहते हों, तो मैं ऐसा ना करूं या ना करूं, इस तरह के सवाल उनके अंदर आ रहे हैं, खूब परेशान है। लेकिन फिर क्या होता है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बता रहे हैं कि जो धैर्य था मेरा उसने मुझे रोक लिया, उनके अंदर पेशेंस आया और फिर उन्होंने उसको रोका, और फिर आगे क्या हुआ, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट टू बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड दैट मर्मर सून रिप्लाइज। मर्मर यानी कि जो आंतरिक आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है, उनके अंतरात्मा की आवाज़ है, सून रिप्लाई, जब धैर्य आता है तो उनके अंदर की आवाज़ सुन मतलब शीघ्र ही, रिप्लाई यानी कि जवाब देती है, रिप्लाई मतलब जवाब देना, उनके अंदर की आवाज़ उत्तर देती है उनको कि गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता ही नहीं है, नीड मतलब आवश्यकता होना, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मैंस वर्क, आइदर मीन्स या तो मैंस वर्क इंसान के काम की, आर हिज ओन गिफ्ट या फिर उसके खुद के गिफ्ट की, उपहार की। मेरे अंदर की आवाज़ ने जब धैर्य ने मुझे रोका तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, पोएट बता रहे हैं कि मेरे अंदर अंतरात्मा की ने उत्तर दिया कि भगवान को तो आदमी के इंसानों के काम की या फिर इंसानों के उपहार की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, गॉड डजंट नीड हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, हु मीन्स जो बेस्ट बियर मतलब प्रशंसापूर्वक, बियर मतलब सहन करते हैं, माइल्ड योग यानी कि दुख दुर्भाग्य का, जो खुशी खुशी सबसे अच्छी तरीके से अपने दुर्भाग्य का सामना करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, दे मीन्स वे सर्व हिम बेस्ट, सेवा करते हैं, हिम मीन्स उसकी बेस्ट में सबसे अच्छे से, वही जो अपनी समस्याओं से लड़ते हैं अच्छे से, वही भगवान की अच्छी सेवा करते हैं, हिज स्टेट इज किंगली उनका जो साम्राज्य है वो एक राजा की तरह से है, बहुत बड़ा है, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड और हजारों लोग, थाउजेंड्स
तो बहुत हजारों सर्वेंट जो हैं एट हिज बीडिंग स्पीड, एट मतलब पर हिज बीडिंग स्पीड, उनकी आज्ञा पर, हिज बीडिंग उनकी आज्ञा पर स्पीड मतलब तेजी से काम करने के लिए लगे हुए हैं। एक बार वो आज्ञा दे, कमांड करें, ठीक है, तो तेजी से काम करने के लिए हजारों लोग पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। उनका राज्य जो है, साम्राज्य जो है, एक राजा की तरह से फैला हुआ है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। उनको इंसान की काम की या फिर इंसान की गिफ्ट की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत सारे एंजल्स हैं, देवदूत हैं, जो उनके काम को कर सकते हैं, और उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं पूरी स्पीड के साथ कि कब उनकी आज्ञा हो और वो उसको पूरा करें। तो हमें यानी कि इंसानों को इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या करें। भगवान को हमारे कार्य की ज़रूरत ही नहीं है, हमको बस अपनी समस्याओं से लड़ना है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे लड़ना है। अगर हम उनसे लड़ते हैं तो जैसा कि वो बताया कि हु बेस्ट बियर हिज माइंड, जो अपनी समस्याओं से, अपने दुर्भाग्य से अच्छे से लड़ता है, उसको सामना करता है, उसे ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार करता है, वही सबसे अच्छी सेवा की। ये नहीं कि भगवान को पूजा करके तभी चाहते हैं, सब वो नहीं चाहते हैं कि इंसान उनके लिए कुछ करे। भगवान चाहते हैं कि इंसान अपने लिए सब कुछ करे, भगवान के लिए नहीं। अगर वो अपने लिए ही अच्छे से करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अपने जीवन को अच्छे से जीता है, तो वो उनकी सेवा करता है। ऐसा कि कहा गया गीता में भी कहा गया कि कर्म ही पूजा है, आप कर्म कीजिए, अपना कर्म कीजिए, आप भगवान खुश हो जाएंगे। आप कर्म कीजिए, आप मानिए कि आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी आवश्यकता नहीं, आपके काम की आवश्यकता नहीं। हजारों लोग पड़े हुए हैं एक इशारे पर काम करने के लिए। और देखिए आगे बता रहे हैं कि थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, हजारों लोग अपनी पूरी स्पीड के साथ लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका आदेश और काम करें। कहाँ? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। एंड पोस्ट, और पोस्ट किए गए हैं मतलब उनको पद मिला है, स्थाई हैं, ठीक है, जो गति के साथ यात्रा करने के लिए। कहाँ पर? ओवर लैंड, धरती पर भी, एंड ओशन समुन्द्र पर भी, विदाउट रेस्ट बिना आराम के, चाहे धरती हो या समुन्दर हो, वो हर जगह हजारों लोग पड़े हुए हैं जो बिना आराम के उनकी एक इशारे पर, एक आज्ञा पर कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह पड़ हैं। तो इंसानों को इस बारे में चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी सेवा करते हैं, दे मीन्स वे, आल्सो मीन्स भी, सर्व मीन्स सेवा करते हैं, हु मीन्स जो, वनली स्टैंड, वनली मीन्स सिर्फ स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं। उन एंजल्स में से वो भी सेवा कर रहे हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार करना ही सेवा है, उनके लिए वही बहुत है। उनको किसी की सेवा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने प्रॉब्लम से लड़ना है। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ इस कविता में हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हम भी अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम्स आए तो हमें किस्मत को दोष देने से अच्छा है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढें और उससे लड़ने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो हमें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है, न कि भगवान के लिए कुछ करने की सोचना है। अपने लिए ही करिए तो भगवान के लिए हो जाएगा, अपने आप भगवान को सुझाएंगे। हम अपना काम करें भगवान के लिए, यही बहुत है। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि उनके लिए करने को तो हजारों लोग पड़े हुए हैं और पूरी एनर्जी के साथ बहुत सारे लोग। थैंक यू।